और बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव एक दिवसीय प्रवास पर दमोह पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, साथ ही केंद्र सरकार की 9 साल के कार्यकाल की नीतियों को गिनाया है और इस दौरान प्रभारी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव पहुंचे हैं। कांग्रेस की समस्या है कि जहां मान लो कोई ऐसी घटना घटती है तो ये लोग पहुंच जाते हैं कि जिसको कहते हैं हमारे तेलुगु में कहते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग मुझे पता नहीं, तेलुगु में बोलते हैं हमारे पास जो शिव यात्रा में जा रहे होते हैं तो वो क्या है वो चावल का जो फेंकते हैं ना मुरमुरा जो मुरमुरा फेंकते हैं तो ये लोग मुरमुरा इकट्ठा करते हैं। ये ना मुरमुरा इकट्ठा करने वाले लोग भाई कब मैं पूछ रहा हूँ शर्त लगा के कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में कितने मंदिरों का उद्धार किया है, बड़ा बनाया है। आजाद भारत बनने के बाद भारत के गरिमा के अनुरूप कौन सा मंदिर को उन्होंने वैभवपूर्ण बनाया। देखिए दुख इस बात का नहीं है कि वक्तव्य क्या आया, दुख इस बात का है कि मुरलीधर राव जी जैसे सम्मानीय नेता ने इतने निम्न स्तर की बात की है। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी संस्कार विहीन पार्टी हो गई है। एक समय था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी थी जिसमें संस्कार थे, पर इतने निम्न स्तर के बयान के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि नफरत की दुकान जो ये खोले हुए है वो कितनी चरम सीमा पर है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कांग्रेस जो बात कर रही थी वो भगवान शिव की यात्रा की बात कर रही थी। महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ है, जब आप महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो महाकाल लोक से आपको गुजरना पड़ता है, हम भगवान शिव की यात्रा की बात कर रहे थे और मुरलीधर राव और भारतीय जनता पार्टी शव यात्रा की बात कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां हम शिव यात्रा में जो घोटाला भाजपा ने किया है हम उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं और आप उदाहरण में क्या दे रहे हैं, शव यात्रा की बात कर रहे हैं।